लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ले भाई, रख ले, बाइक की सगाई है। पापा कंप्यूटर सुधारने वाला ना कहना, हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक है? बाप हूं थारो, मने सिखावे। पापा बेइज्जती मत करवाना। राम राम साहब, बधारिए बधारिए साहब, बधारिए। हरामखोर, मेरी बेटी को सिखता है? पहले धोना सीख, फिर जीते ले। ये ले, मेरी तरफ से तेरी माँ को दे देना। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए जी। मने लागे हैं तने कठे देखियो है। मने अरे अरे अरे, काई कर रहे है? जगह जगह तो कंप्यूटर सुधार रहे है। अरे मारो बेटो बहुत होशियार से। हाँ। तो काई कवे उन्हें जो कंप्यूटर सुधार तो है? हार्डवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर। और ये मारी देख रही रीना। आजा बेटा। ले लो बेटा। नहीं नहीं। रख। ले लो ना। नहीं नहीं नहीं। Started using email or still throwing letters at girls? Just asking. Yeah. जा रीना, बेटा राजेश को अपना कमरा दिखा दे। क्या जी? नहीं कुछ नहीं। अशोक ने गुजरे तो 7 साल हो गए। काहे? अशोक गुजर गया? नहीं 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 नहीं, वो राम नाम नहीं। अब मारा मतलब पता नहीं कठे चला गया। अशोक ने कभी आपको फोन नहीं किया? नहीं नहीं। अब 1-2 साल बहुत ढूंढा जी उसको, फिर उस टाइम फोन ही कहाँ थे जी। तो आप कहीं और शादी मतलब? वो अब तो जहाँ बाबूजी कहेंगे। फिर ठीक है जी, पता आपको, मैं आपको तो मतलब बहुत पहले से मतलब। दोस्त की पीठ में घोपा खंजर, राजस्थान के टोंक जिले से वास्ता रखने वाले एक मामूली शख्स अशोक चौधरी ने अहमदाबाद के टाइल किंग नकुल देसाई को दोस्त बनाकर लगाया 30 लाख रुपए का चूना। देखते हैं इस पर नकुल देसाई क्या कहते हैं। देखिए, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और वैसे भी चाइना की डंपिंग पॉलिसी की वजह से हमारी इंडियन टाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस अपनी इंडियन टाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए मैंने अशोक के आइडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, पर मुझे नहीं मालूम था वो फ्रॉड निकलेगा। सर, क्या आपकी कंपनी का नुकसान अशोक की वजह से हुआ है? देखिए, उसके कारण कोर्ट ने मेरी फैक्ट्री सील कर दी है, और ऊपर से 30 लाख का नुकसान अलग हुआ है। That's it. Thank you. Thank you. Sir, please. माजी सा, इन बातों से मैं सालों पहले थक गया, लेकिन आप आज तक नहीं थके। अजूबा है ये, न जाने कितनी कितनी लड़कियों में आपने अपनी बहू को देखा होगा। ओ, ये लीजिए, एक और आ गई। खम्मा घणी। बना रानी सा, कुछ पैसा चाहिए था। हाँ, कितने चाहिए जी? 30 लाख। हाँ, पैसा तुझे चाहिए या इसने? जी, जी मुझे चाहिए।
और यो काई लागे थारो? वो मंगेतर। हाँ? मेरी सहेली का। थारी शादी हो गई? जी नहीं। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जी बना। पद्मनी। जी रानी सा। याने अंदर लेके आओ। जी। चो 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 चो। ओ मंगेतर। जी बना। हम पहले मिले हैं कहीं? जो तम अंदर वधारे समय ना लेता अन आप भी गए आज मुकी दो चालो कहीं भूल कर चला गया अशोक वो भी अबे साला उस दिन जब सबके सामने भैया ने मने पीटा और मैं भागा तब थारे से एक पल के लिए नजरें मिली थी बस तभी से सोच लियो थो कि अब वापस तभी लौटूंगा जब इतना पैसा कमा लूंगा कि दद्दा का सपना पूरा करके थारे से शादी कर पाऊं भाग के सीधा स्टेशन चला गया वहां पर जो पहली ट्रेन मिली वही पकड़ ली वो ट्रेन मारे को अहमदाबाद ले आई वहाँ हमारी मुलाकात प्रहलाद जी से हुई उन्होंने मारे को टाइल की दुकान में सेल्समैन की नौकरी दिला दी दिन भर मैं टाइल बेचने के लिए अलग अलग डीलर से मिलता था टाइल मार्केट की उसके क्वालिटी की उसकी डिजाइन की मारे को अच्छी समझ हो गई रात में मैं वहाँ का डिजाइनर था सत्या उसको कंपनी दिया करता था तो कंप्यूटर में डिजाइनिंग सीखने में मारे को मजा आने लगा फिर क्या था वो डिजाइनर आके रात को सुस्ताता था और मैं उसका काम पूरा निपटा देता था और फिर एक रात कमाल है कैसे कहते हो नहीं इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन तो तेरा प्रमोशन पक्का प्रमोशन के लिए थोड़ी बनाया है जो डिजाइन मुझको लाखों करोड़ों रुपए दिला सकता है उसको मैं 10,000 के प्रमोशन के लिए बेच दूं। तो क्या प्लान है सत्या भाई मैं सोच रहा था मैं इस डिजाइन से अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा कहां से आएगा इन्वेस्टमेंट इतना जो आदमी अमीर बनता है ना वो चांस से नहीं बनता वो चॉइस से बनता है और फिर मैंने अपना अब तक का सारा कमाया हुआ पैसा अपने डिजाइन के सैंपल बनवाने में लगा दिया तभी चाइना ने अपना फ्लोर टाइल्स का सारा माल इंडियन मार्केट में डंप कर दिया और इस वजह से इंडियन फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन थे वो काफ़ी हद तक रुक गए और लाखों की तादाद में मजदूर स्ट्राइक पर उतर आए हमारे डिज़ाइन के सैंपल का प्रोडक्शन तो रुका ही उन्होंने हमारे पैसे लौटाने से भी मना कर दिया पूरी इंडियन टाइल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ सिवाय एक इंसान के जिसे इंडिया में चाइनीज़ फ्लोर टाइल्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था टाइल किंग जगत साह सर चाइना का माल इंडियन टाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है मजदूर जॉबलेस है स्ट्राइक पर उतरा है और दूसरी ओर चाइना पाकिस्तान की मदद करके हमारे देश के जवानों के सीने को छल्ली कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा है सर सर आपको नहीं लगता आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए आप सब लोग सुबह से लेके रात तक फॉरेन ब्रांड की दुकान बन के घूमते हो अरे टूथपेस्ट से लेके रात को बत्ती बुझाने के लिए जिस स्विच का इस्तेमाल करते हो उस स्विच तक सारी की सारी चीजें हमें इम्पोर्टेड और मुझे आप कह रहे हैं कि इंपोर्टेड माल बेचना बंद करो
आप एक काम करो ना, इंपोर्टेड माल लेना आप बंद करो, हम बेचना बंद कर देंगे, है? अब भाई एक बात मैं बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूँ, बिजनेस इमोशन से नहीं चलता, बिजनेस प्रॉफिट से चलता। इसलिए देशभक्ति की शुरुआत है ना, अपने घर से कीजिए। लेकिन कई रात की मेहनत और रिसर्च के बाद मारे को फाइनली वो आइडिया भी मिल गया जिससे हम चाइना के माल को क्वालिटी और दाम दोनों में हरा सकें। बस अब मारे को जरूरत थी एक ऐसे टाइल बिजनेसमैन की जो मारे इस आइडिया में पैसा लगा सके। तो फिर मैं पहुंचा सा इंडस्ट्रीज के जगत सा के पास। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है सर। उन्होंने मुझे कहा कि वो हमारे डिजाइन का टेस्ट करके बताएंगे। यहां मैं उनका एक हफ्ते तक इंतजार करता रहा पर कोई जवाब ना आया। ये इंडियन टाइल इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की है, 40,000 करोड़। आपका माल ये इंडिया के छोटे छोटे स्टेट्स में बेच के आपके लिए प्रॉफिट और मेरे लिए कमीशन कमाता हूं। अब जरा सोचो कि ये चार्मिंग प्रोडक्ट अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा तो आपके लिए तो इंडिया का मार्केट गया, और एक ही झटके में 40,000 करोड़ का टर्नओवर जीरो। ये मैन्युफैक्चरिंग मैं रोक सकता हूं एक शर्त पे, आप आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे अगर पूरा एशिया देंगे ना तो मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा। और एक बात मिस्टर चांग हो, ये 1962 का भारत नहीं है, 2014 का इंडिया है ये। डील। भारत की आजादी की बात अब जिन्ना से करेगा तो बात थोड़ी बनेगी। मेरी बात मान, सरदार पटेल के पास चल। फिर प्रहलाद जी ने मुझे टाइल के इंडियन मैन्युफैक्चरर देसाई साहब से मिलवाया। देसाई साहब को हमारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए और उन्होंने जैसे ही ये खबर मीडिया में फैलाई, चाइनीज एजेंट जगत शाह ने हम पर मारे ही डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। ऐसे कैसे? वो तो तुम्हारे डिजाइन थे ना। पर वो उसने अपने नाम पे पहले ही पेटेंट करा लिया था। देसाई साहब की फैक्ट्री सील हो गई। उन्हें लगा मैंने उन्हें धोखा दिया है क्योंकि डिजाइन और आइडिया दोनों ही मारा था। कभी कभी तो मारे को लगेगा कि मैं सच में ही अकाली हूं, जितनी भी मेहनत करता हूं सब बर्बाद। टेंशन का ही ले रहा भाई, और पिज्जा हम ले आए हैं, और वह है ना देसाई, उसने देंगे, वह केस वापस ले लेगा, टेंशन खत्म। पैसे कहां से लाए? बना 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 से क्यों पैसे लाया? और कोई रास्ता भी तो नहीं था, हमें लगा तुम्हें छुड़ाने के बाद पैसे वापस कर देंगे। चलो तुम्हारी मुलाकात नो समय पूरो थई गयो छे, चलो।